फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो मैं बनाने जा रही हूँ नई रेसिपी काजू की। तो मैं किस तरह से बनाऊंगी, तो आप लोग बने रहिए मेरे खान्स किचन ब्लॉग में। तो चलते हैं बनाना शुरू करते हैं। तो एक लिया हमने मिक्सी जार, तो मिक्सी जार में हम बड़े साइज के दो हमने प्याज कट कर लिए हैं, तो इनको हम मिक्सी जार में डाले दे रहे हैं। इसी जार में हम डालेंगे कम से कम 15 काजू। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो फाइन पेस्ट हम पीस के लिए आए हैं, आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया काजू और प्याज का हमने पेस्ट बना के तैयार किया है। तो चलते हैं अब दूसरी चीज़ों की हम तैयारी करें। तो कढ़ाई को हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, तो अच्छी तरह से गर्म हो जाए। तो कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे ऑयल। तो ऑयल गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डालेंगे काजू, फ्राई करेंगे धीमी आँच में। रोस्ट करना है लाइट कलर में, कम से कम 1 से 2 मिनट तक। तो हमारे काजू लाइट कलर में फ्राई हो चुके हैं, तो सारे काजू को हम एक बर्तन में निकाले ले रहे हैं। कढ़ाई में हमने ऑयल डाला था काजू फ्राई करने के लिए, उसी में हम डाल रहे हैं 1 चम्मच मक्खन। तो मक्खन मेल्ट हो चुका है, तो इसमें हम डाल रहे हैं कुछ खड़े मसाले। तो एक हमने तेज़पत्ता लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4 हमने लौंगे लिए हैं, 2 हरी इलायची लिए, 1 चम्मच भर के हमने जीरा लिया है। तो सारी चीज़ों को हम चटकने के लिए डाले दे रहे हैं। तो ये देखिए अच्छी तरह से चटक गई। अब इसमें हम चॉप करी हुई प्याज डाल रहे हैं, बड़े साइज का प्याज है। तो अच्छी तरह से लाइट कलर में हमें इसे भूनना है। तो आप लोग देख सकते हैं प्याज का कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भरकर। इसको भी हम प्याज के साथ में भुनाई करेंगे 1 मिनट। तो अदरक लहसुन का पेस्ट भुनने के बाद में अब हम 2 बड़े साइज़ के हमने टमाटर पीसे वो डाले दे रहे हैं इसके साथ में। तक हमारे टमाटर पकेंगे उसी के साथ में हम मसाला डाल रहे हैं। तो 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च लाल डाल रहे हैं, 1 चम्मच हम धनिया पिसी हुई डाल रहे हैं, 1/2 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाल रहे हैं, 1/2 अनुसार नमक डाल रहे हैं। तो मसाले को हम फिर से चलाएँगे, कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसाले की भुनाई करेंगे। मसाला भुनते टाइम पर ही हम 2 चम्मच दही डाल रहे हैं और चलाएंगे मसाले के साथ में। कम से कम 2 से 3 मिनट तक मसाले को ऐसे भूनते रहेंगे, क्योंकि इसका हमें कच्चापन निकालना है। तो 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं मसाले को भूनते हुए। अब इसमें हम डालेंगे प्यूरी जो हमने प्याज और काजू की पीस के रखी थी। तो इसको डालने के बाद में अब हम फिर से चलाएँगे कम से कम 3 मिनट तक। इसी तरह से इसको हम पकाएंगे प्यूरी को। जो प्याज और काजू की पेस्ट हमने पीस के डाला है, तो उसको हम ढक के पकाएंगे, क्योंकि इसमें छींटे आती हैं। तो इसको कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने के लिए छोड़। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी को पकते हुए। तो आप लोग देख सकते हैं कितने बढ़िया तरह से पका है। तो अब इसी बीच में हम डालेंगे काजू जो हमने फ्राई करे थे। इसी बीच में हम अब डाल रहे हैं दाल मखाने। अब जैसे ही दाल मखाने डाले वैसे ही लाइट चली गई, तो इंडक्शन हमारा बंद हो गया। तो अब चलते हैं हम गैस के पास। तो गैस जलाकर कढ़ाई को रख दिया हमने गैस के ऊपर। अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी मसलकर। अब इसमें लगाएंगे 1/2 गिलास पानी, जितने में हमारे काजू और दाल मखाने पक जाएँ। तो पानी हमने लगा दिया है, कम से कम 10 मिनट तक हम पकाएँगे ढककर। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं काजू की रेसिपी बनते हुए। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी बढ़िया लाजवाब आज की रेसिपी बनी है। तो चलते हैं गैस की फ्लेम को कर दे रहे हैं बंद। जब तक हरी धनिया ना डालो तो सब्जी का कोई भी रंगत नहीं आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक आ गया है हरी धनिया पड़ने से। अब जाएगा इसमें 1/2 टुकड़ा मक्खन। तो आज की रेसिपी थी काजू की सब्जी। तो मैंने किस तरह से बनाई आप लोगों ने प्लीज़ पूरी वीडियो देखी होगी। अगर आपको कुलचे की रेसिपी देखना है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको कुलचे की भी रेसिपी दिखाऊंगी। तो अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा। तो चलते हैं अपनी वीडियो को एंड करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।